वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। पिछले संडे हमने जगन्नाथ मंदिर की यात्रा शुरू की थी, तो चलिए जल्दी से मैं आपको बाकी का ये मंदिर भी दिखा देती हूँ और जगन्नाथ जी की कहानी भी पूरी कर लेते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश के दर्शन करते हैं। और यदि आपको कोई विश मांगनी हो तो आप मूषक महाराज के कानों में धीरे से बोल दीजिएगा, मैं पक्का नहीं सुनूंगी जो आप विश मांगेंगे, वो बस आपके और मूषक महाराज के बीच रहेगी, एकदम पक्की बात। तो चलिए अब मैं आपको कहानी में आगे ले चलती हूँ। यदि आपने पिछले संडे वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि कहानी वहां से शुरू हुई थी और आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। श्री कृष्ण ने अब अपना रूप बदल लिया था और वह बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ महाभाव को अनुभव कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि जी वहां पहुंच गए। उन्होंने श्री कृष्ण का वो रूप देखा जो कभी किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही तीनों ने नारद जी को देखा, वे तीनों वापस अपने सामान्य रूप में आ गए। आय हाय, तेज धूप और ये टाइल्स बहुत ही गर्म है, अब तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा वहां। चलिए मेरे साथ एक दो एक पहुंच के। ये हम शीशों के अंदर रखी मूर्तियां देखने की कोशिश करते हुए, चलिए आप भी देखिए जब तक मैं कहानी में आपको आगे ले चलती हूँ।
नारद जी ने फिर उनसे प्रार्थना की कि श्री कृष्ण दोबारा वो रूप धारण करें ताकि बाकी सब भी उनका ये रूप देख सकें। श्री कृष्ण मान गए और उन्होंने कहा कि वह जगन्नाथपुरी में अपने भ्राता यानी कि भैया बलदेव जी और बहन सुभद्रा जी के साथ प्रकट होंगे। उनके इस अवतार को देखकर कई लोगों को उनका ये रूप अधूरा लगता है, बिना उंगलियों के, बिना पैरों के, परंतु जगन्नाथ जी का ये अवतार पूर्ण है, पूरा है। और ऐसा ही श्री ईसोपनिषद में भी लिखा गया है। उदाहरण के लिए, वे ना केवल अपनी आंखों से देखते हैं, वह अपनी आंखों से बोलते हैं, खाते हैं, सुनते भी हैं। इसी तरह उनके बाकी के सारे अंग ऐसे ही अलग अलग कार्य करने की क्षमता रखते हैं। वहीं हमारे अंग तो सीमित हैं, ये केवल वही कार्य करते हैं जो जिन्हें के लिए इन्हें बनाया गया है, जैसे कि आंखें केवल देख सकती हैं, कान केवल सुन सकते हैं इत्यादि। इसीलिए जगन्नाथ जी का ये रूप पूर्ण है तथा जब हम उनका ये रूप देखते हैं तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह अपूर्ण है।
कितनी अनोखी कहानी थी। मुझे तो मजा आया इस कहानी में, क्या आपको मजा आया? मंदिर के बाहर ऐसे स्टॉल लगे हैं, यहाँ से आप प्रसाद दिया आदि खरीद सकते हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग यहाँ समाप्त होता है, फिर मिलेंगे बहुत जल्द यूं ही किसी गली में चलते चलते या बातें करते करते। धन्यवाद।